अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करने लगे अगला टॉपिक नियोनेटोलॉजी में से, विच इज अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया इन नियोनेट्स। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक हमारे रह जाएगा जो हमें इसमें से करना होगा, इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर, एंड इंशाल्लाह विल बी डन विद नियोनेटोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसको जरा सा आप गौर से देखें, इसकी मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एसीक्यू एमसीक्यू दोनों में आती है, ऑस्पी का स्टेशन आता होता है, इसलिए इसकी मैनेजमेंट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए हाइपोग्लाइसीमिया सबको पता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लो हो जाता है बिलो अ थ्रेशोल्ड तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और बच्चों में नियोनेट्स में हमारे पास जो थ्रेशोल्ड होता है अगर एट टर्म बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें हम कहते हैं कि 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना ब्लड ग्लूकोज लेवल, और जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनमें 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के क्राइटेरिया में लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या सिलसिला होता है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया ऐसा है जो कि 7 डेज से कम का है उसको हम ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और जो परसिस्टेंट होता है मोर देन 7 डेज उसको हम परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है कि ट्रांजिएंट ऐसा होगा जो कि ज्यादातर हो सकता है किसी इस वजह से रिलेटेड हो कि फीडिंग बच्चे को सही नहीं दी गई थी, या फिर बच्चा थोड़ा सा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का बच्चा था, उन बच्चों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कोई इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर टाइप सिलसिला था उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है, जो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर होता है कि डायबिटीज माँ को होती है ना, तो बच्चे में जब माँ का ब्लड आता है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ तो उसमें ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, उस हाई ग्लूकोज लेवल वाला ब्लड जब बच्चे के अंदर आता है तो बच्चे के पैनक्रियाज उसको देख के ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाता है, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, उसकी वजह से बच्चे के अंदर वो हाइपर इंसुलिनिज्म है वो ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा डेफिशिएंट कर देता है, हालांकि डायबिटीज तो मदर को थी ना, बच्चे को तो नहीं है, तो बच्चे के अंदर हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाता है उसके रिजल्ट में। तो बहरहाल उसकी वजह से बच्चे को ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लेकिन जो परसिस्टेंट होता है ना वो तकरीबन हमेशा ही या तो आपका कोई ऐसा ट्यूमर है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर कोई एंडोक्राइन कॉज है जिसकी वजह से परसिस्टेंट होता है, जो कि मुस्तकिल आपके ग्लूकोज को नॉर्मल नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो इससे आपको जरा सा ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट से ये अंदाजा होता है ना कि कॉज किस तरफ जा रहा है, कि अगर आप ठीक कर रहे हैं और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई चीज उसको मुस्तकिल अपोज कर रही है। अच्छा, अगर कॉजेज की हम बात करें तो हम 3 कैटेगरी से उसको डिवाइड करते हैं कि वो कॉजेज जिनमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन या तो कम हो रही है या ग्लूकोज के स्टोर्स कम हो रहे हैं, मतलब ग्लूकोज नहीं सही से बन रही, दूसरी वो है जिसमें ग्लूकोज ठीक बन रही है लेकिन यूटिलाइज ज्यादा हो रही है, तीसरी जो मिसलेनियस कॉज है, तो जिसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस ही कम हो रही होती है वो सबसे पहले तो आपने जहन में रखना है कि जो आपके पुअर फीडिंग के बच्चे हैं, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर आप एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी 1 आवर में 2 आवर्स में फीडिंग स्टार्ट नहीं कराते, 6 घंटे गुजर गए आपने कुछ नहीं खिलाया, तो डेफिनेटली वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, पुअर फीडिंग अंडर न्यूट्रिशन। इसी तरह जो प्री मेच्योर या पोस्ट मेच्योर बच्चे होते हैं उन दोनों में ही ग्लूकोज की प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाती या फिर उनके स्टोर्स ठीक नहीं होते। ठीक है, एंड देन इसी तरह मैंने आपको बताया हुई बात है प्री मेच्योरिटी में ही आ जाता है कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज या फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जिनमें होती है ड्यू टू एनी रीजन, IUGR के बहुत सारे रीजन है, मटर्नल टॉक्सिन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, मटर्नल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो कुछ भी है जिस वजह से बच्चा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हुई है तो उसकी ग्लूकोज प्रोडक्शन का प्रोसेस, एंडोक्राइनोलॉजी का प्रोसेस नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, और जो वो कौन से कॉजेज जिनमें यूटिलाइज ज्यादा हो रही होती है, मैंने भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज की बताई है कि इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर जिनमें इन्फेंट्स के अंदर हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाता है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया, इसी तरह जो हेमोलिटिक एनीमिया के बच्चे होते हैं, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि क्योंकि उनका बहुत ज्यादा ब्लड सेल्स टूट रहे होते हैं तो वहां पर भी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाती है। ठीक हो गया, इसी तरह आपके कुछ सिंड्रोम्स है, बेकविथ वाइडमैन सिंड्रोम, वो बेसिकली आपका पोस्ट मेच्योरिटी से रिलेटेड होता जाता है, या फिर कोई आपका ट्यूमर बॉडी के अंदर बच्चे के बना हुआ है वो ट्यूमर भी आपका ग्लूकोज यूटिलाइज कर देगा, या फिर बच्चे के अंदर कोई सेप्टिसीमिया चल रही है तो भी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। मिसलेनियस में आ जाते वही बात है, बर्थ एस्फिक्सिया, सेप्सिस, पॉलीसाइथीमिया, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जो बहुत सारी वो बातें जरा देख लेना, इसको कितनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात मैं आके टाइम दूंगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना कि ब्लड ग्लूकोज की, तो आपने याद रखना कि प्लेसेंटा से ना जब मटर्नल जो ग्लूकोज है वो प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में आता है थ्रू जनरल जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि जाहिर है मटर्नल ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है और फीटल ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो मटर्नल ब्लड से फीटल ब्लड में ग्लूकोज डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आती है। ठीक है, और इसमें फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आती है जिसमें थोड़ा सी उसकी हेल्प आउट हो रही होती है। अब नॉर्मली ये होना चाहिए कि जितना मटर्नल ब्लड में ग्लूकोज है उसका 2/3, मतलब ये कि जाहिर है सारा का सारा बराबर नहीं होना चाहिए, 2/3 ऑफ द ग्लूकोज लेवल फीटल ब्लड का भी होना चाहिए। उसूलन क्या होता है कि जब बच्चा बाहर निकलता है और अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है
उस टाइम क्या होगा कि मेटरनल ब्लड की ग्लूकोज बच्चे के अंदर आना एकदम से बंद हो जाएगी। अब जाहिर है जब बच्चे के अंदर जो ग्लूकोज आ रही थी पहले वो बंद होगी तो एकदम से उसका ग्लूकोज लेवल फॉल करेगा, तो बर्थ के फौरन बाद जो फर्स्ट एंड सेकेंड आवर होता है उसमें बच्चे का ब्लड ग्लूकोज एकदम फॉल करता है, लेकिन एकदम से ही उसकी अपनी बॉडी सारे नए मैकेनिज्म को ले लेती है और वो अपना ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो आपको पहले दूसरे घंटे पे स्टार्ट करवा देनी चाहिए ताकि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो और उसकी अपनी बॉडी ले ले उसको। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ आवर पे मेजर करते हैं बच्चे का ब्लड ग्लूकोज, या फिर आप सपोज कि आपने थर्ड आवर पे मेजर किया है और थर्ड आवर पे भी आपने फीड कराने से पहले मेजर किया तो उसका 50 तक है लेवल, 50 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी ठीक रिस्पांस दे रही है। ठीक है, बच्चे की आप फीड कराते हैं तो नॉर्मल जो बेसल लेवल बच्चे का होना चाहिए दैट इज अबव 65 to 70 मिलीग्राम। ठीक है, 65 to 70 से ज्यादा बच्चे का होना चाहिए। तो आपकी फीड कराने के बाद जब इतना हो जाता है इसका मतलब है एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सी बात। अब अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बच्चा प्रेजेंट किस तरह करता है, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकता है, इसकी कोई एक खास बात नहीं होती। आप समझ लें कि ये बिल्कुल एसिम्टोमेटिक बच्चे भी होते हैं, सिम्टम्स होंगे तो इट कैन रेंज एनी सिम्टम। सिंपली बतमा के कि बच्चा बहुत लेथार्जिक है, कुछ समझ नहीं आती कि इसको क्या मसला है, बच्चे को झटके पड़ते हैं। मतलब मैं अलग अलग सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। माँ बच्चे को झटके को कहेगा कि बैठे बैठे इसकी मुझे लगता है आंखें ऊपर घूम जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एकदम से तेज तेज सांस लेने लग जाते जैसे इसको सांस नहीं आ रहा, या फिर माँ कहेगी कि बच्चा ना एकदम से ठंडा पड़ जाता है सारा का सारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल रहा ना बॉडी को, तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती तो लेथार्जी हो सकती है, कन्वर्जन हो सकती है, रोलिंग ऑफ आइज हो सकती है, एस्फिक्सिया हो सकता है, एपिसोड्स ऑफ साइनोसिस हो सकती है, इवन बच्चा हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो इट कैन वेरी, आपके पास अगर सिनेरियो आता होते हैं ना वो ज्यादातर आपको बता देते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ था जो कि या तो इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का बच्चा था या इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर था और उसको ब्लड ग्लूकोज चेक करने पे 30 या 20 आया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया। आपसे इसका डायग्नोसिस नहीं पूछते, इसमें आपसे मैनेजमेंट पूछते हैं। तो मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशन आपने पहले क्या करानी है, जाहिर बच्चे के ग्लूकोज लेवल्स को चेक करेंगे, जो आपको रिस्क फैक्टर पे बच्चा लगता है ना जिसमें मेटरनल रिस्क फैक्टर है उसमें तो आपने लाजमी बर्थ के फौरन बाद एट फर्स्ट आवर सेकेंड आवर फोर्थ आवर एट्थ आवर एंड देन 12th आवर एंड देन 24th आवर पे, ठीक है, इस पे आपने लाजमी उसका ग्लूकोज चेक करना होता है। ठीक है, जो रिस्क पे होते हैं बच्चे, और अगर उसका ग्लूकोज मेंटेन है तो फिर आपने उसको डिस्चार्ज कर देना है, लेकिन अगर उसका नहीं मेंटेन तो फिर रुकना है। और जो ज़ाहिर सिम्टम्स के साथ आएंगे उनका तो आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल जरूर चेक करना है ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिया को पता कर सकें, ब्लड सीपी से ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि कोई सेप्सिस या सेप्टिसीमिया तो नहीं चल रहा, और फिर जो आपको कॉज लगती है जिस तरफ आपका ध्यान जाता है, जाहिर है देयर आर मल्टीपल कॉजेज जो उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन सजेस्ट करती है, उस हिसाब से आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अच्छा जी, अब आगे मैनेजमेंट का पार्ट जिसको मैं कह रही हूँ कि ये है इम्पोर्टेंट। तो कहानी कुछ यूं है कि अब बच्चा आपके पास जो आ गया उसका ब्लड ग्लूकोज कितना है और सिम्टम्स है कि नहीं है। सपोज करते हैं कि आपके पास बच्चे को कोई खास सिम्टम नहीं है, माँ वैसे रेगुलर चेकअप के लिए लाई थी या फिर माँ किसी और मसले से लाई थी जो कि बिल्कुल भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं था, सपोज खांसी जुकाम था बच्चे को, आपने रेगुलर टेस्ट कराए, ब्लड ग्लूकोज बीच में कराया, वो कम आया। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्लूकोज आपका आया है 25 से 45 के दरमियान में और कोई सिम्टम नहीं है बच्चे को, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, नॉर्मल कितना है ब्लड ग्लूकोज 65 से 70 तक होना चाहिए। अभी हम बात करें 25 से 45 की, 50 से ऊपर होता है तो हमारे ग्रीन जोन में आ जाता है बच्चा, 50 से कम होता है तो रेड जोन में होता है। अच्छा, 25 से 45 के दरमियान में है ब्लड ग्लूकोज लेवल, सिम्टम कोई भी नहीं है, तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि उसका ब्लड ग्लूकोज जरूर लेना है, सैंपल लेना है ब्लड का और लैब से कंफर्म कराना है। असल में बच्चों का जो ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है ना, एक तो बड़ों का भी आपने देखा है ना, वो जो घर में स्ट्रिप से आप चेक कर लेते होते हैं, मतलब आप ऐसे वो निकालते हैं ब्लड और स्ट्रिप से चेक करते हैं, वो स्ट्रिप वाला जाहिर है जो ब्लड ग्लूकोज आप चेक करते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो आपका अगर आपने स्ट्रिप से चेक किया और आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल 25 से 45 के दरमियान में मिला है बच्चे का, तो आपने फौरन उसका एक सैंपल लेना है और लैब में कंफर्म कराने के लिए भेजना है। जो भी आपको मिले सबसे पहला आपने तीनों में यही लिखना है, आगे भी मैं आपको यही बताऊंगी। ठीक है, पहले आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने बच्चे की हालत जनरल देखनी है, अगर बच्चा अलर्ट कॉन्शियस एक्टिव है, देखने में बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने माँ को इंडिकेट कराना है कि इसको फीड कराए, अपने सामने आपने उसे फीडिंग करानी है, माँ को बताना है कि इसको फीड रेगुलर कराती रहे। अपने सामने जब फीड आप करवाएंगे उसके थोड़ी देर बाद आपने दोबारा चेक करना है, अगर उसका 45 के करीब हो गया, मतलब 45 से ऊपर चला गया और 50 तक पहुंच गया, इसका मतलब ये कि इट्स फाइन। लेकिन अगर नहीं पहुंचा और उसका फीड कराने के बाद भी 45 से कम ही रह रहा है, 40-35 इस तरह ही है, तो फिर आपने उसको आईवी ग्लूकोज देना है। आईवी ग्लूकोज कितना देते हैं बच्चों को याद रखना है, याद रख लीजिए 10% ग्लूकोज आप हमेशा देते हैं, 10% डेक्स्ट्रोज देते हैं बच्चों को हमेशा। ठीक है, बड़ों में 5% देना होता है, बच्चों में 10% देना होता है,
10% डेक्सट्रोज एट द रेट ऑफ 3.6 ml पर केजी पर आवर। अगर कोई पूछेगा कि ग्लूकोज कितना इसमें होगा, ग्लूकोज इन ग्राम्स मतलब जो मिलीग्राम्स है, तो आप ग्लूकोज होता है 6 mg पर केजी पर आवर, ठीक है, पर मिनट सॉरी, ये होती है ग्लूकोज की वैल्यू पर मिनट। अब आपने इस ग्लूकोज को, आपको पता है 10% डेक्सट्रोज का मतलब ये है कि अगर आप 100 ml का सोल्यूशन लेंगे तो उसमें आप 10 g ग्लूकोज का डालेंगे, यही होता है ना 10% डेक्सट्रोज का मतलब। तो ये वाला जो 6 mg पर केजी पर मिनट हमने देना है, इसको हमने सोल्यूशन की फॉर्म में प्रिपेयर करना होता है। अब ये मैं आपको इतनी डिटेल अगर बताऊंगी कि सोल्यूशन किस तरह बनाते हैं, तो आपका दिमाग खराब होगा, मतलब इसकी कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। आप इसे इतना याद रख लें कि 6 mg पर केजी पर मिनट इज द वैल्यू फॉर रॉ ग्लूकोज, मतलब जो पाउडर्ड ग्लूकोज है, और अगर हम उसको इन्फ्यूजन की फॉर्म में ले आए यानी 10% डेक्सट्रोज की फॉर्म में, तो फिर वो है 3.6 mg पर केजी पर आवर। ये कैलकुलेट इस तरह किया जाता है कि ये देखें ये पर मिनट की वैल्यू ना, और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो पहले तो आप 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट कम्स टू बी 360। अब आप अगर 1000 ml सोल्यूशन ले और उसमें 360 डाल दें, तो इसका मतलब है आपने ये 10% सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, 1000 में 360 है, लेकिन अभी आपका ये डेक्सट्रोज का तो 100 के हिसाब से हिसाब होता है, तो आप इसको जब कम भी लेके आएंगे तो जाहिर है वो 3.6 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं समझा रही थी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बात है, ना भी समझे तो इट्स फाइन, रट्टा लगा लेना आपने कि बच्चों में देना है 10% डेक्सट्रोज हमेशा, मेंटेनेंस डोज बच्चे में यही होती है 10% डेक्सट्रोज 3.6 ml पर केजी पर आवर। अच्छा जी, ये तो हो गया इस बच्चे में। अब अगर बच्चा आपके पास जो प्रेजेंट किया उसका ग्लूकोज है 25 से 45 mg पर डेसिलीटर विद अ स्ट्रिप पे आपने टेस्ट किया और साथ बच्चे को सिम्टम्स है कोई ना कोई, आपने सबसे पहला काम करना है वही ब्लड ग्लूकोज आपने ड्रॉ करना है, मतलब उसका ब्लड ड्रॉ करना है, ग्लूकोज तो नहीं ड्रॉ करते, और उसको आपने लैब में भेज देना है फॉर कंफर्मेशन। बच्चे के साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसके एक बोलस देना है, बोलस का मतलब होता है एक फॉरन तो आप देंगे, वो आप देते होते हैं 10% डेक्सट्रोज 2 ml पर केजी के हिसाब से, ठीक है, मतलब अगर बच्चा आपके पास 4 kg का है तो आप उसको 8 ml 10% डेक्सट्रोज का एक दम देते हैं फौरी तौर पे, मतलब ड्रिप में नहीं लगाते वो आप इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। तो ये होता है बोलस, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज यही वाली 3.6 ml पर केजी पर आवर, ठीक है, ये याद रखनी है, ये नहीं भूलनी, इंपॉर्टेंट बात है, सारी डोजेस नहीं मैं आपको बताती होती, पर केजी पर आवर ये आपने करनी है, ये बोलस की डोज है और ये मेंटेनेंस डोज है। अब अगर आपके पास बच्चा जो आए उसका ब्लड ग्लूकोज है लेस देन 25 mg पर डेसिलीटर से कम है और सिम्टम्स है या नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे को सिम्टम नहीं होते क्योंकि उसकी बॉडी ने उसी हिसाब से रेगुलेट कर लिया होता है, तो सिम्टम्स है या नहीं ये आपके पास ज्यादा इमरजेंसी की केस है। सबसे पहले काम क्या है, वही आपने ब्लड ड्रॉ करना है और लैब में भेजना है कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद आपने फौरी तौर पर बच्चे को पहला बोलस देना है। अब आपका जो बोलस होगा सेम उसी तरह ये वाला 2 ml पर केजी वाला बोलस देंगे 10% डेक्सट्रोज का, और फिर 10% डेक्सट्रोज का ही ये वाला सोल्यूशन आप शुरू करा देंगे 3.6 ml पर केजी पर आवर से, सेम बिल्कुल जिस तरह आपने पिछले में कराया है, लेकिन इसमें आपने मॉनिटरिंग ज्यादा देर के लिए करनी है। यहाँ पर आप बच्चे को थोड़ी देर मॉनिटर करते हैं, नॉर्मल हो जाता है भेज देते हैं, यहाँ पर आपने मॉनिटरिंग ज्यादा देर के लिए करनी है, और कई बार ऐसा होता है आपको वेन नहीं मिल रही होती तो आपने अम्बिलिकल वेन ले लेनी है, उसके जो कैथेटर लगा हुआ होगा वहां पर, ठीक है, उसमें आपने देना है। अच्छा, उसके बाद अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं ठीक हो रहा होता हाइपोग्लाइसीमिया, परसिस्टेंट होता है, तो उनका आप डेक्सट्रोज का जो सोल्यूशन है ना, यहाँ पर आप 10% बनाते थे, इन बच्चों में आप 12.5% डेक्सट्रोज भी बना सकते हैं और 25% भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि इनका ग्लूकोज का ज्यादा अमाउंट इनके अंदर जाएगी। ज़ाहिर 10% में तो ये होता था ना कि 100 ml सोल्यूशन में 10 g ग्लूकोज होता था, 12.5% में ज्यादा ग्लूकोज होगा, 25% में और ज्यादा होगा, मैक्सिमम डोजेस 25% डेक्सट्रोज, तो आप इसका डेक्सट्रोज बढ़ा भी सकते हैं, और अगर फिर भी उसके बावजूद भी आपने 48 आवर्स तक ट्रीटमेंट किया बच्चा नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप 2 drugs ट्राई करते हैं। इसमें एक होती है आपकी ऑक्ट्रियोटाइड जो ड्रग है आपकी, ये बेसिकली आपका इनहिबिटर होता है, ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग आप समझ लेंगे, एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके ना नेचुरल बॉडी हार्मोन्स को थोड़ा इनहिबिट कर देते हैं, ग्लूकागॉन को भी और इंसुलिन को भी, दोनों को ही, ठीक है। तो जब आपका ग्लूकागॉन इनहिबिट होगा तो चलो वो भी हो रहा है, लेकिन इंसुलिन इनहिबिट करना जरूरी है, क्योंकि ग्लूकागॉन को हम रिप्लेस करके बाहर से दे रहे हैं ना ग्लूकोज, लेकिन उसकी इंसुलिन जो बच्चे की है वो उसको असर नहीं करने दे रही, तो हम इसको दे के बच्चे की अंदर के हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं ताकि बाहर वाली हमारी ग्लूकोज असर करे। अच्छा, फिर डायजोक्साइड आता है, डायजोक्साइड जो है ना वो भी आपका हाइपर इंसुलिनीमिया में आपको देते होते, जब इंसुलिन ज्यादा होता है ये भी इंसुलिन को इनहिबिट करती है, और अगर आपका कोई इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो आप सर्जिकल रिमूवल उसकी करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म करते, किसी को मस्ता हुए कि नास में, थैंक यू।